नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण्स किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ छत पर हार्वेस्टिंग के लिए। और जब बहुत अधिक सब्जियाँ तैयार रहती हैं छत पर तोड़ने के लिए, तो मैं आप सबों से इसे ज़रूर शेयर करती हूँ। और आज बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। तो देखिए, मई की मंथ चल रही है और बहुत तेज़ गर्मी है, 40-42 के करीब टेम्परेचर चल रही है। और इतनी गर्मी में भी गार्डन पूरी तरह से हरी भरी है और बहुत अच्छी सब्जियां निकल रही हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में आज सब्जियां निकलने वाली हैं और इसे मैं आप सबों से शेयर करने वाली हूं। तो देखिए, गार्डन बहुत सुंदर हरी भरी लग रही है। तो चलिए, सबसे पहले बेलवर्गीय सब्जियां जो हैं उन्हें तोड़ते हैं। तो इधर तीन तरह की बेलवर्गीय सब्जियाँ लगी हुई हैं। तो देखिए, बहुत सारे बर्तन लेकर मैं आ गई हूँ छत पर, क्योंकि बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग आज मिलने वाली है। तो यहाँ लगी हुई है तोरी, और तोरी बहुत अच्छी चल रही है और आज लगभग 20 से 30 के करीब में तोरी तोड़ने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले इसी की हार्वेस्टिंग लेना शुरू करते हैं। और यहाँ देखिए, एक लौकी तैयार हो गई है, इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। और बेलें बहुत स्वस्थ चल रही हैं और छोटी छोटी लौकी जो है बहुत सारी तैयार हो रही है। यहाँ तीन पौधे लगे हुए हैं लौकी के, और लगभग 9 लौकी मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और 10वीं लौकी ये हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग यहाँ से मिली है मुझे। और लौकी के बगल में ही यहाँ पर करेले लगे हुए हैं, और करेले बहुत अच्छे हुए हैं इस बार। देखिए, इस तरह से गुच्छों में फली हैं, और करेले हरे हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं। और देखिए, बहुत ही अधिक मात्रा में करेले जो हैं इस तरह से फले हुए हैं। ये देखिए, बहुत सारे हैं। और यहाँ देखिए, इस तरह से गुच्छों में फली हुई हैं ये देखिए। तो चलिए, इसकी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी। चलिए, तोड़कर आप सबों को दिखाती हूँ। देखिए, करेले बहुत ही अच्छे हुए हैं। इसकी लंबाई देखिए, बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे हैं, झुंड में फैली हुई है। इस तरह से ऊपर देखिए, यहाँ भी बहुत सारे करेले हैं। इस तरह से है, तो मैं सभी को तोड़ने, क्योंकि बहुत सारी है और इतने सारी हैं कि इन्हें तोड़ने में काफ़ी समय लग जाएगी। ये देखिए, टोकरी तो पूरी हाउसफुल हो गई, और मुझे लग रहा है कि ये 2 केजी के करीब टूट गई हैं करेले, या फिर 2 केजी से ज़्यादा ही हैं और बहुत अधिक हो गई हैं। तो मैं पूरी नहीं तोड़ रही हूँ, देखिए सिर्फ इस साइड की ही मैंने तोड़ी है। और अभी भी देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे करेले देखिए इस तरह से हैं ही इसमें, और एक साइड की मैंने बस इस साइड की तोड़ी है, और देखिए उस साइड की मैंने नहीं तोड़ी है। और बहुत सारे करेले देखिए वहाँ भी लटके हुए हैं। तो इतने सारे करेले एक ही बार में तोड़ लूँगी तो फिर खाना जो है मुश्किल हो जाती है। तो
एक साइड की मैं बाद में तोड़ूंगी और आज मैं इतना ही तोड़ूंगी क्योंकि ये ही बहुत अधिक हो गई है, बहुत ये 2 केजी से भी अधिक की हैं। तो चलिए आज इतना ही तोड़ते हैं इसे। देखिए इतनी सारी सब्जियां जो हैं हो गई हैं, करेले तो देखिए कितने सारे हो गए, तोरी भी बहुत हो गई है, एक लौकी हो गई है और यहाँ पर लगी हुई है कद्दू की बेलें और इन्हें मैंने देखिए थर्माकोल के कंटेनर में लगा रखा है और एक कंटेनर में देखिए इस तरह से एक ही बेल लगी हुई है और लगभग 3 बेल जो है कद्दू की लगी हुई है और 3 बेलों से ही मैंने देखिए यहाँ 12 कद्दू जो है वो मुझे हार्वेस्टिंग के लिए मिल रही हैं और आज मैं 5 कद्दू हार्वेस्ट करने वाली हूँ। तो देखिए सबसे बड़ी कद्दू वहाँ है, 1, ये 2, यहाँ 3 और ये यहाँ 4 है और ये 5 है। तो 5 कद्दू आज मुझे यहाँ से हार्वेस्ट करने के लिए मिल रही है, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है इसकी और देखिए नई ग्रोथ फिर से शुरू हो गई है। तो इन सारे कद्दूओं को आज तोड़ दूँगी तो नई ग्रोथ जो है ये फिर से बहुत ही अच्छे से शुरू हो जाएगी और जितनी भी पीली पत्तियाँ थी सभी को मैंने हटा दी है। तो चलिए इसे हार्वेस्ट करते हैं। ये देखिए ये सबसे बड़ी कद्दू है, मुझे पता नहीं है कि ये कितनी होंगी लेकिन बहुत वजन है इसमें। ये थोड़ी छोटी हैं, एक यहाँ है, एक देखिए और यहाँ देखिए यहाँ ककड़ी लगी हुई है और ककड़ी 2 महीनों से हार्वेस्टिंग दे रही है और बहुत ही अच्छी ककड़ियाँ हैं। देखिए इस बार भी बहुत अच्छी इससे हुई है, काफ़ी लंबी लंबी हुई है इस तरह से। और यहाँ देखिए यहाँ 3 लगी हुई हैं और यहाँ भी 3 हैं और पौधे भी बहुत हेल्दी चल रहे हैं, बहुत ही स्वस्थ चल रहे हैं। छोटी छोटी ककड़ियाँ देखिए इतनी सारी तैयार हैं बहुत ही अधिक मात्रा में और देखिए ककड़ी यहाँ है लंबी से। तो चलिए इन सभी को हार्वेस्ट करना शुरू करते हैं। और एक यहाँ भी लटक रही है, ये देखिए एक लंबी सी यहाँ भी है। तो चलिए सबकी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। सारी सब्जियां टूट गई हैं और यहाँ लगी हुई हैं देखिए गवारफली, और गवारफली भी पूरी तरह से तोड़ने के लिए इसकी फलियां तैयार हो गई हैं और गवारफली के पौधे में देखिए इस तरह से भर भर के फलियां बनती हैं, बहुत अधिक मात्रा में इस तरह से देखिए इसकी फलियां जो हैं इस तरह से देखिए तैयार होती हैं, बहुत अधिक देखिए ऊपर तक ये तैयार हैं। तो यहाँ देखिए ये 12x12 के ग्रो बैग में लगी हुई है और एक ग्रो बैग में 2-2 पौधे लगे हुए हैं, लगभग 8 ग्रो बैग है। तो बहुत अधिक संख्या में इस तरह से इसके पौधे हैं मेरे पास और सभी में देखिए इस तरह से फलियां जो है तैयार हो गई। तो चलिए इसकी हार्वेस्टिंग लेते हैं और सिर्फ मैं सामने की जो पौधे हैं इन्हीं से हार्वेस्टिंग लूँगी और एक ही बार में बहुत सारी सब्जियां हो जाती हैं। तो और ये अगर इसे आप जल्दी नहीं खाते हो तो इसमें रेसे तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसे हार्वेस्ट करते हैं। Thank you.
इसके बगल में देखिए यहाँ पर बैंगन के 4 पौधे लगे हुए हैं और सभी में बहुत अच्छे फ्रूट्स लगे हैं। यहाँ वाइट बैंगन लगी हुई है इस तरह से और बहुत ही ज़्यादा गुच्छों में फली है ये, देखिए इस तरह से। तो काफ़ी संख्या में यहाँ से बैंगन मिलने वाली हैं आज, ये देखिए। और यहाँ लगे हुए हैं ग्रीन बैंगन और यहाँ से भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है, ये देखिए इस तरह से गुच्छों में फली है। और यहाँ पर पर्पल बैंगन है, ये देखिए इस तरह से, ये भरता वाली बैंगन है, देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ से भी काफ़ी बैंगन मिल जाएंगे। तो चलिए 4 पौधे हैं लगे हुए हैं, इनसे हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। तो दोस्तों देखिए आज मेरे छत से इतनी सारी सब्जियां हार्वेस्ट हुई हैं, पूरी तरह से ये सब्जियां ऑर्गेनिक है। तो देखिए ये है ना खेतों जैसी, और खेतों से भी अच्छी सब्जियां जो है मेरे छत से निकल रही हैं। और मई की चिलचिलाती गर्मी में भी देखिए इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग हो रही है, छत पर ज़रूरत से ज़्यादा ही तेज़ धूप होती है, इतनी गर्मी है यहाँ। अभी हार्वेस्टिंग लेते लेते मेरी हालत ख़राब हो गई, इतनी चिलचिलाती गर्मी में ये पौधे कितने स्वस्थ हैं, बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग दे रहे हैं। बहुत खुशी होती है इन सब्जियों को देखकर, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन बहुत अच्छी सब्जियां जो हैं पूरी तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां छत से निकल आती हैं। तो देखिए इतनी सारी तोरी हार्वेस्ट हुई है, बहुत अच्छी मात्रा में है ये। एक लौकी हार्वेस्ट हुई है, थोड़ी सी ककड़ी हार्वेस्ट की है मैंने, और 5 कद्दू हार्वेस्ट किए हैं। देखिए छत पर भी कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हो जाती है, कितने अच्छे देखिए फल निकल आते हैं, कितनी अच्छी सब्जियाँ निकल आती हैं। इतनी सारी देखिए गवार फली हार्वेस्ट की है, थोड़े से पर्पल बैंगन हार्वेस्ट किए हैं, और इतने सारे करेले हार्वेस्ट किए हैं, देखिए एकदम ऊपर तक भर गई है, 2 केजी से भी ज़्यादा होंगी। और ये वाइट बैंगन है और ये ग्रीन बैंगन है। तो एक एक पौधों से देखिए इतने सारे बैंगन निकल आए हैं, मात्र 4 पौधे हैं बैंगन के, और कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हुई। तो देखिए इतनी सारी सब्जियाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है, और ये खुशी मैं अपने सभी पड़ोसियों के साथ बांटने वाली हूँ। जहाँ से भी मैं किचन वेस्ट लेती हूँ ना, वहाँ वहाँ सभी को मैं ऑर्गेनिक सब्जियाँ दूँगी, सबके साथ ये खुशी बांटूँगी और सभी को ऑर्गेनिक सब्जियाँ खिलाऊँगी। तो देखिए पत्तेदार सब्जियाँ भी तैयार हैं, लेकिन मैं इसकी हार्वेस्टिंग नहीं ले रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी चल रही हैं। जब इसे खाना होता है मैं उसी समय में इसकी हार्वेस्टिंग लेती हूँ। तो देखिए गार्डन पूरी तरह से हरी भरी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है इस तरह से, और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।